सब्सक्राइब करो पंजाबी रील टीवी। ट्रेलवी नप दो। नप दो। अली जफर एक इदां दा नाम आ जिन्हों पूरी दुनिया दे विच सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं इंडिया दे विच भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता। सो पसंद किया जाता क्योंकि उन्होंने गाणियां करके उन्होंने आवाज़ करके एंड फिलहाल दे विच जिहड़ा उन्होंने एक्टिंग दे विच भी अपना करियर अजमाया उहदे करके भी। सो एक वीडियो है अली जफर दी फैन मूवमेंट विद अमिताभ बच्चन जो कि बॉलीवुड दे तुहानू सबनू पता ही है पाकिस्तान वालियां नू भी ते इंडिया वालियां नू कि अमिताभ बच्चन कौन ने। सो किल दिल एक फिल्म आई सी उस फिल्म की स्टारकास्ट नू फॉर द प्रमोशन इनवाइट किया गया सीगा KBC दे विच। KBC तुहानू पता शो है कौन बनेगा करोड़पति इंडिया दे विच टेलीकास्ट हुंदा हर साल एंड इहदे विचों एक करोड़पति निकल के बाहर आउंदा। सो अज्ज दी वीडियो दे विच देखदे आं कि एक क्लिप की है बिकॉज काफ़ी जने रिक्वेस्ट कर रहे सी लगातार। वीडियो करांगे शुरू पर उससे पहले अपने चैनल नू कर लो सबसक्राइब एंड हिट द बैल आइकन एज वेल। सो डू सबसक्राइब नाउ। आ जाओ फिर हाँ जी। कैसे हुआ ये सर? सर सच पूछें तो शुरू में बचपन में जो स्टार्ट किया तो स्केचिंग से पेंटिंग से किया और आपकी तस्वीरें बना बना के पेंट पेंट करके ओहो स्केच करके वो अभी तक महफूज है। उसके क्या बात है। तो आपके गाने देख के गाना शुरू किया, डांस शुरू किया तो आपका डांस देख के और एक्टिंग शुरू की तो आपके लिए डांस था। अमिताभ बच्चन भाजी ने इतना आता नहीं ओ एक दो स्टेप है ना दे पेट स्टेप होंगे ना जिदा पर ओ वाकई जबरदस्त है। अभी इतना कुछ जिक्र कर दिया तो आप गाना सुनाई दीजिए आप। ओ मैं वो होता ना कि इंसान की जिंदगी में इंसान सोचता है कि मैं ये चीजें करना चाहता हूँ जिंदगी में पाना चाहता हूँ हासिल करना चाहता हूँ। उनमें से एक ख्वाब ये था कि मैं आपकी तस्वीर बना सकूँ आपके सामने आपके गाने गा सकूँ। इन्होंने भी मेरे अंगू शौक है स्केचिंग का। ओके सो ये पक्का कोई रोमांटिक गाना ही गाने वाले है। तूने जो इशारा एक्चुअली अली जफर की जी आवाज़ है ना वो थोड़ी डिफरेंट है जिदा एक सिंगर की होंगी ना उस डिफरेंट है काफ़ी डिफरेंट है। अच्छा ये अमिताभ बच्चन का ही किसी फिल्म का गाना जिहड़ा गा रहा है। पंजाबी का दबदबा पहला भी पुरानिया फिल्मों के बॉलीवुड के रहा तो हूँ तो पंजाबी गाने तो बिना बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं बनती। सॉरी मैं थोड़ा उच्ची बोल रहा। ओ मैं कैंडा रणवीर सिंह बंदा भी कैंडा बंदे की पर्सनैलिटी एंड इहदा नेचर अमेजिंग है। अब
याद आ गई पुरानी। बहुत सही है, बेस सीखी आज दी वीडियो एक छोटी जी। एंड एदे विच आपां नूं की देखण नूं मिलिया कि अमिताभ बच्चन दे बहुत वड्डे फैन लग रहे अली जफर। एंड बाकी वैसे भी दुनिया विच काफ़ी सारे फैन ने अमिताभ बच्चन दे, एंड उन्हां चों मैं भी एक हैगा। बिकॉज उन्हां दी मूवीज़ पुरानियां होन, चाहे इस टाइप दियां होन, इस टाइम दियां होन, सारियां कैंट होंदियां। एंड जो इन्होंने वो गाना गाया ना कि ये दोस्ती मैं नहीं छोड़ूंगा, हम नहीं छोड़ेंगे, उदो मैंने वो याद आ गया। क्योंकि स्टडी टाइम मैं, जिन्होंने नहीं पता, मैं एनीमेशन एंड मल्टीमीडिया का कोर्स किया। वो 2D एनीमेशन एक चीज़ होंगी है, यू नो, जिदा कार्टूनस बनते हैं उदा दीज़ा। तो मैं वो कार्टून एक बनाया सी, दो डॉग्स बनाए थे। एंड वो दो डॉग मतलब कट्ठे पार्क में जाते हैं, कट्ठे इंजॉय करते हैं, हाथ फट के घूमते फिरते हैं। सो मैं पिछे वो आह गाना लगाया सी, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। दैट्स वाई मैंने अपनी यादा ताजिया हो गई। एंड मैंने लग रहा है अमिताभ बच्चन साहब जो एक गाना गा रहे थे उदो उन्होंने अपनी यादा ताजिया हो गई कि धर्मिंदर भाजी, ओहो भाजी क्या बात है। धर्म भाजी का मैं शुरू तो फैन रहा, तो उन्होंने याद आ गई होनी, क्योंकि जो बंदा कोई शूट करता फिल्म किसी नाल, कुछ यादा नाल रहा उन्होंने, है ना। तो इस करके उन्होंने याद आ गया होना। बाकी कुल मिला के देखा जाए इदा दिया फैन मोमेंट्स यार बड़ा कुछ सिखा भी जाए किसी, जेकर आप इनडायरैक्टली देखिए तो आप बड़ा कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि जेकर अली जफर अमिताभ बच्चन साहब की रिस्पैक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो अपन उन्हों के नेचर का, उन्होंने परसनैलिटी का पता लगता कि वह किदा के शख्स ने, उन्होंने मन च दूजे लैके कि ख्यालात ने, है ना, मतलब इदा दब चीज़ा मायने रखते हैं। बाकी बहुत व्डा शो है उस शो के, अली जफर का जाना इट्स वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अली जफर। एंड अली जफर भी कोई घट नहीं है, उन्होंने जोड़े गाने दते हैं बॉलीवुड न, अमेजिंग, मतलब उन्होंने आवाज़ का ही जादू जो डिफरेंट है। लाइक जिमें आतिफ असलम, आतिफ असलम की आवाज़ भी थोड़ी डिफरेंट है बाकियों नालों, अली जफर की भी डिफरेंट है। जिक्र आप कही कि अपने कंपेरिजन करना, क्योंकि बड़े लोगों की, सॉरी बार बार हाथ वज जाता, मैंने इस माइक की आदत नहीं हैगी, सो बार बार कह रहा है, मतलब लोगों की रिक्वेस्ट आ जाती है कि तुम अली जफर से आतिफ असलम का कंपेरिजन वीडियो। मैं कह नहीं यार, क्योंकि जोड़ा बंदा डिफरेंट डिफरेंट है, है ना, दोनों का अलग अलग जोन है। सो उन्होंने आप कंपेरिजन की कर सकते हैं, दोनों अपने अपने काम में माहिर ने, लोग उन्होंने पसंद कर रहे, दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। सो अमेजिंग, अली जफर मैं परसनली भी वधिया लगता बंदा, क्योंकि मैं एक्टिंग तो मैं इन्होंने कोई देखी नहीं ज़्यादा, फिल्म एक देखी सी शायद, बट इन्हों की आवाज़ अमेजिंग, सीरीयसली इन्हों का जो स्टाइल है ना वो मैं बहुत चंगा लगता। तो बाकी वीडियो इतने खत्म करते हैं हम, तो वीडियो कि लगी मैं नीचे कमेंट करके जरूर दसो। पंजाबी रील टीवी अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जाके एक बार चैक जरूर कर लियो, तो उत्थे आप बहुत सारिया नोटिफिकेशन या बहुत कुछ तुम्हें देखने मिल जाने, जाके चैक कर लो, कुछ नहीं जा रहा, जस्ट क्लिक मारना एक। एंड इस चैनल में भी सबसक्राइब कर लो, तो मैं मिलूंगा तुम्हें किसी होर वीडियो के, तद तक लिए मिलने इजाजत, सत श्री अकाल, चक्की रखो इदा ही काम।